बरेली के पीलीभीत बाईपास पर हुए बवाल के मामले में आरोपी प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा के होटल, ऑफिस और मकान पर गुरुवार को बीडीए का बुलडोजर चला। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होते ही राजीव राणा अपनी पत्नी बेटी के साथ मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ तृतीय अनिता चौहान ने राणा को पकड़कर कार में बिठाया। इसके बाद वह राणा को लेकर रवाना हो गई। पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 22 जून की सुबह पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग की घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे। शासन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने आदित्य उपाध्याय की चौकीदार रोहित की ओर से रिपोर्ट दर्ज की थी। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 जून की तारीख तय की है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस प्रशासन के साथ बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर गुरुवार को सुबह उसके होटल और मकान के पास पहुँच गयी। उसके होटल के बाहरी हिस्से को ढहा दिया गया। मकान और दफ्तर पर भी बुलडोजर चला है। कार्रवाई के बीच पहुंची राणा की पत्नी और बेटी होटल और मकान टूटता देख रो पड़े। राणा की बेटी ने कहा कि घटना के वक्त उसके पिता वहां नहीं थे। सबसे पहले आदित्य उपाध्याय ने गोली चलाई थी। हम नेतागिरी के शिकार हुए हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप हमें जो सजा देंगे हम लेने को तैयार है। अगर आपको कोई भी दिख जाए उनमें से एक शख्स, क्योंकि मेरे छोटे देवर के अलावा कोई वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। चंदू पंडित ने जो भी कराया वो चंदू पंडित ने किया। हाँ, बस इतना ही चाहते हैं हम कि हाँ, बस न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सरेंडर किया, जस्ट अभी उन्होंने खुद अपने मन से अपनी मर्जी से सरेंडर कराया। मेरा नाम कोमल राणा है, मैं राजीव राणा की पुत्री हूँ और मैं राजीव राणा की पत्नी हूँ तारावती। और क्या कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरा मकान बीडीए अप्रूव था जो तोड़ा गया है, और ये हमें सलाह मिला बीजेपी के अनभक्त होने का। और जो होटल था वो मेरा बीजेपी, वो भी मेरा बीडीए अप्रूव था। कम से कम मुझसे कागज तो मांगते हैं कि हम मुझे कागज दिखाओ ना, कि मुझे मेरे तो घर पे पैर ऐसे बढ़ा दिया कि मैं घर में घुस ही नहीं सकती थी, इतना डराया जा रहा था हमारे लिए। हम तो सबको दिखाने को तैयार है। हमसे मांगते तो एक बार कि हमें ये चीज चाहिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारे घर पे बुलडोजर चलाने के अलावा। किस नेता के समर्थक थे आप? किसी नेता के समर्थक हम नेतागिरी का शिकार हो हम नेता के समर्थक नहीं है। हम नेतागिरी का नेता, किसी की दोस्ती के हम किसी की दुश्मनी का शिकार हैं। बस नहीं, अभी आप कह रहे थे आप बीजेपी अंधभक्त थे, दोस्ती के और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हम। किसकी? पप्पू गिरधारी की दुश्मनी और हड़ताल की दोस्ती के शिकार हुए हैं। बस इन दोनों की दुश्मनी आपस में थी, इन दोनों के शिकार हम हुए हैं। इन दोनों की दुश्मनी हमने हमें लेके डूबी। अब क्या करेंगे? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मीडिया हमें जाएंगे, हमें तो कम से कम दरवाजे खटखटाएंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि इंसाफ तो जरूरी है, क्योंकि हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार है ना। इंसाफ के लिए ही इंसान, हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार। आप मुझे घर में जाने देते, मुझसे कहते आप घर में जाओ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।